जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य ऐसा कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो हो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के होता है, करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए, वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए।